नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टॉक्स न्यूज। सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिया संत रविदास मंदिर स्मारक की आधारशिला रखी, 100 करोड़ से होगा निर्माण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में संत रविदास मंदिर स्मारक की आधारशिला रखी है। विजुअल्स आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सागर जिले के बड़तूबा में लगभग 11.5 एकड़ जमीन पर मंदिर स्मारक निर्माण होना है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मंदिर और स्मारक की दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। नागर शैली में पूरा प्रोजेक्ट होगा, कला वीथिका बनेगी, भक्त निवास के साथ कई अन्य चीजें भी बनेगी। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर और स्मारक निर्माण की घोषणा की थी। संत रविदास मंदिर के लिए पूरे प्रदेश के 53,000 गांव से मिट्टी और 350 नदियों का जल लाया गया। जी हाँ, हम आपको बता दें, बढ़तू माह से प्रधानमंत्री सभा स्थल ढाणा पहुँचेंगे। यहाँ वे भारत माला परियोजना के तहत 1582.28 करोड़ की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 2,500 करोड़ की लागत से बने कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। कुल मिलाकर बड़ा कार्यक्रम सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये आप एक्सक्लूसिव से तस्वीरें देख रहे हैं सागर टॉक्स न्यूज पर, हम आपको दिखा रहे हैं। एक सभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन एक दुखद हादसा भी हुआ है सागर में। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में आ रही बस ने एक युवक को रौंद दिया, जिसकी दर्दनाक मौत हुई थी। और ऐसा नहीं है पहला हादसा है, ऐसे कार्यक्रमों में पहले कई हादसे हो चुके। रीवा में भी प्रधानमंत्री जब गए थे, वहां पर भी ऐसा ही एक हादसा सामने आया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंच गए हैं और कुछ ही क्षणों में वे सभा को भी संबोधित करेंगे। हम आपको पल पल की अपडेट दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।